नमस्कार दोस्तों, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि पॉजिटिव कैसा रहा जाए इस स्ट्रेस भरी दुनिया में, जहां पे आपके घर वाले भी नेगेटिव हो सकते हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं वहां पे भी बहुत नेगेटिविटी है, आप रास्ते में अगर बस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं वहां पे भी लोग धक्का मुक्की नेगेटिविटी है, किसी को थोड़ा सा कुछ बोल दो तो सिर पे चढ़ जाता है, गुस्सा दिखाता है, गुस्सा लोगों की नाक पे बैठा हुआ है, किसी से कुछ थोड़ी सी बात कर लो कि हाँ मुझे ये करना है वो आपकी टांग खींचेगा, अरे पागल है क्या, ऐसा कभी हुआ है जो तू करेगा? नहीं दोस्तों, नेगेटिविटी हर जगह होगी लेकिन पॉजिटिव रहना ये आपके हाथ में है। इस वीडियो में दो ऐसी बातें मैं बता रहा हूं जिससे आपने अपनी जिंदगी में ढाल लिया तो आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। पहली चीज जो आप कर सकते हैं या आपको करनी है वो है किताबें पढ़ना। मोटिवेशनल पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए, देखिए जो बहुत मशहूर या सक्सेसफुल लोग थे उन्होंने कैसे किया, क्योंकि नेगेटिविटी सबकी लाइफ में होती है, ऐसा तो नहीं है ये सिर्फ आपकी ही लाइफ में है, नहीं, नेगेटिविटी सबकी लाइफ में होती है दोस्तों, लेकिन कुछ लोग डील उसे अच्छी तरह से कर सकते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो ये आपको कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा आपको किताबें पढ़ के, बायोग्राफीज पढ़िए, देखिए लोगों ने कैसे नेगेटिविटी को दूर किया और वो पॉजिटिव रहे। हाँ, ये मोटिवेशनल है, जो आप बाहर से मिलती है वो बाहर ही रहती है, शायद आपके लिए दो चार दिन के लिए रहेगी, लेकिन अगर आपने अंदर ठान लिया कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे पॉजिटिव रहना है, तो आप पॉजिटिव रहेंगे किसी भी सिचुएशन में। मैं दोस्तों मैं कहना चाहूंगा इतना भी आसान नहीं है जितना मैं आपको बोलने में लग रहा है, क्योंकि स्ट्रेस और आपकी जो प्रोग्रामिंग बचपन से हुई है नेगेटिव नेगेटिव के लिए, तो लोग नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। अगर आप किसी को एक सफेद कागज दिखा दो और उस पर एक बिंदी लगा दो, अगर उससे पूछा जाए कि क्या दिख रहा है आपको, तो कहेगा एक काला डॉट, एक काली बिंदी दिख रही है। इस कदर इंसान के दिमाग में नेगेटिविटी आ गई है कि उसको पूरा साफ कागज नहीं दिखाई दे रहा, उसे एक बिंदी दिखाई दे रही है काले रंग की। तो दोस्तों किताबें पढ़िए। दूसरी चीज जो मैं आपको चाहता हूं करूंगा कहना चाहूंगा वो है ऑडियो बुक्स। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुनना शुरू कीजिए, यूट्यूब की वीडियोस हैं उन्हें सुनिए, देखिए, अगर कब आपके पास टाइम है तो देखिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, कहां पे सुनेंगे, हम काम में सारा दिन बिजी रहते हैं। अरे भाई, आप काम पे जाते होंगे, अगर आप अपनी गाड़ी में जा रही है ऑडियो बुक्स लगाइए, वहां पे सुनिए, अपना काम कर रहे हैं उन्हें कानों पे लगा के रखिए, आप सुनते रहिए, आपके काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज को सुन रहा होगा। ये आपको ध्यान देना है चीजों को। तो दोस्तों ये दो चीजें अपने अपनी जिंदगी में उतारिए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आता है, आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, शुरुआत में शायद आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है अगर आपको किताबें पढ़ने की आदत नहीं है या फिर आपको किताबें सुनने की आदत नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स लोगों में क्या होता है कि जब वो कहीं जाते हैं तो अपनी गाड़ी में गाने लगा देते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग है ना आपके दिमाग की, ये आपको थोड़ी सी रिवायर करनी है कि गाने नहीं लगाने हैं, उसकी जगह आपको ऑडियो बुक्स लगानी है। पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन अब जब भी मैं जहां भी जाता हूं गाने नहीं, सिर्फ ऑडियो बुक्स ही होती है। तो इससे मोस्ट प्रॉबली होता क्या है, हो सकता है आप उस पर ध्यान ना भी दे रहे हो लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड बैकएंड में उसको सुन रहा होता है, रिवायरिंग होती है। तो दोस्तों प्लीज इन दो बातों को ध्यान में रखिए और देखिए आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी कैसे दूर भाग जाती है, पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में आ जाएगी, आनी शुरू हो गई है। इस वीडियो को भी देखते रहिए।
इस वीडियो को देख के भी शायद आपके जिंदगी में कुछ मोटिवेशन पॉजिटिविटी आई होगी।